हमारे जो उच्च स्तर के पद हैं वो हमें उपलब्ध नहीं है, एक विशेष लोगों को उपलब्ध है। मोदी लाखों एकड़ जमीन को बर्बाद कर रहा है और 700 किसानों को मार डाला। जब तक के हम ये आरएसएस विचारधारा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक के हमारा कल्याण नहीं होगा। जो विदेशी ब्राह्मण आए हैं उनको हमको भगाना होगा, नहीं तो हम अछूत बने रहेंगे। साथियों, हमको निर्देश मिला है कि ऐसी बात बोलो जिसमें एक और एक 11 हो, जोड़ने वाली बात हो तोड़ने वाली बात ना हो, तो इसका मैं ख्याल रखूंगा। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे संगठन एक जगह एकत्रित होकर अपना जोर लगाएंगे और देश में एक नई क्रांति लाएंगे। हमारा मुख्य काम यह है कि आज तक के हड़ताल से बड़े बड़े ऑफिसर बने और उनकी तनख्वाह बढ़ती गई, लेकिन किसान का कोई तनख्वाह नहीं बढ़ा। किसान अपने कृषि उपज को जो भी भाव है उसको बेचने के लिए मजबूर होता है। यदि दिल्ली में हम चले गए तो निश्चित ही इस बात को उठाएंगे कि हमारे कृषि उपज पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पानी की व्यवस्था करेंगे और मूल्य जो है निर्धारण किसान करेगा। और मूल्य निर्धारण करने से उसकी जो माली हालत है वो सुधरेगी और किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। आज 87 देश ऐसे हैं जो कृषि उपज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि औरतों को महिलाओं को पढ़ाया गया और पुरुषों को पढ़ाया गया और वो कृषि कार्य करने में असमर्थ हैं। तो वैसी स्थिति भारत का ना आवे, इसलिए भारत में कृषि प्रधान व्यवस्था लागू हो। इस देश का किसान तय करेगा कि उसको क्या मूल्य मिलना चाहिए और वो इस आधार पर रहेगा कि हम देश में विदेश में निर्यात कर सकें। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था कि मैं इस देश में जो वर्ण भेद है और भेदभाव है उसको मैं दूर करूंगा, समाप्त करूंगा, तो आज वो उसका संकल्प दिवस है। हमको एसटी एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज को एकजुट कर देश में एकता स्थापित करना है और हम आज उसके लिए संकल्पित हैं। साथियों, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पानी की व्यवस्था हो और राजस्थान जैसे जगह में हमको पानी की व्यवस्था करेंगे तो उपज ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह गुजरात में आज समुद्री पानी से पूरा गुजरात का लाखों एकड़ जमीन भीग गया है और नमक पानी होने के कारण वहाँ कृषि उपज नहीं हो पा रहा। और इसी मुद्दे पर हम मोदी को जाकर गुजरात में हराएंगे और वहाँ नई व्यवस्था करेंगे और देश में ये व्यवस्था की जाएगी कि समुद्र का पानी गुजरात में ना भरे और लाखों एकड़ जमीन बर्बाद ना हो। मोदी लाखों एकड़ जमीन को बर्बाद कर रहा है और 700 किसानों को मार डाला और उसके लिए माफ़ी मांग लिया और इससे काम नहीं बनेगा, उसके लिए माफ़ी नहीं फांसी चाहिए।
तो हमारी ताकत बढ़ेगी और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। इसी तरह से अब आरएसएस के खिलाफ जंग छिड़ने वाला है और वो है वामन मिश्राम। नागपुर में 6 अक्टूबर को उसका घेराव करेंगे, आरएसएस का घेराव करेंगे और उस घेराव में हम उनका साथ देंगे। और जब तक के हम ये आरएसएस विचारधारा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक के हमारा कल्याण नहीं होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हम आरएसएस की विचारधारा को इस देश से निकाल फेंकेंगे। वो ब्राह्मणी विचारधारा है, वो विदेश से आया ब्राह्मण और हमको अछूत समझते हैं, तो जो हमको अछूत समझेगा उसको हम वोट ना दें। ऐसा एक व्यवस्था काशीराम साहब ने कहा था कि वोट देने वाला ईमानदार हो तभी व्यवस्था चल सकेगी। वो वोट को खरीदा जाए, खरीदने वाला वोट ईमानदार नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी अडानी अंबानी को यहाँ के इस देश के रेलगाड़ी और दूसरे कोरबा का कोयला, भिलाई का लोहा उसको वो खरीदने वाला है। उसके खिलाफ हमारा जंग है। और भिलाई का कोयला यदि खरीदेगा तो वहाँ से लोडिंग बंद होगी और तमाम उत्तर के प्रदेशों में जहाँ भिलाई का कोयला उपयोग होता है वो बंद हो जाएगा। और यह जरूरी है तब हमारा लोहा कोयला हमारे हाथ में रहेगा। भिलाई कारखाने को 2 रुपये किलो के हिसाब से बनाया गया, दुर्गापुर को बनाया गया। और आज हम जवाहरलाल नेहरू के कारण परमाणु युग में पहुंच गए, अन्यथा हम यों के त्यों पीछे रहते। महात्मा गांधी ने वो किया और उसके कारण उनको गोली खानी पड़ी, लेकिन गोली से महात्मा गांधी मरा नहीं, उसके विचार आज भी जिंदा है। जो आपसे आपका शोषण करे उससे असहयोग करो और तकली चरखा काट के उन्होंने बता दिया कि मैनचेस्टर का कपड़ा यहाँ नहीं चलेगा। मैनचेस्टर के कपड़े को जलाया गया और तकली चरखा से हम उसको जीते और अंग्रेज 200 साल के अंग्रेज छोड़ के भाग गए। आज वैसे ही जो विदेशी ब्राह्मण आए हैं उनको हमको भगाना होगा, नहीं तो हम अछूत बने रहेंगे। हमको जो अछूत मानता है उसको हम वोट ना दें, ये बात ख्याल रखें, तभी हम उनसे आज़ादी मिल सकती है। आप सब लोगों ने मेरी इतनी लंबी बात सुनी उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम सबको जोड़ने में समर्थ रहेंगे, इतना कहकर मैं अपनी बात। आज हमारे मंच के माध्यम से जो विभिन्न संगठन इकट्ठे हुए हैं और सभी का एक ही संकल्प है समानता। तो समानता का हम सारे संगठन मिलकर के ये संकल्प लेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। अगर हम शिक्षित बनेंगे तो संगठित होंगे और संगठित होंगे तो हम निश्चित एक संघर्ष की सीमा पर डटे रहेंगे। तो जब तक हमारा शिक्षा का संकल्प, हम कितने भी यत्न जतन करें अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति इतना आगे बढ़ाएं कि जिससे वो उच्च शिखर पर पहुंचे। हमने देखा है कि आज हमारा 3 वर्णों में एक वर्ग है हमारा जो अछूता है,
हमारे जो उच्च स्तर के पद हैं वो हमें उपलब्ध नहीं है, एक विशेष लोगों को उपलब्ध है, और यदि उपलब्ध कर भी लेते हैं तो उनको आगे चल के बहुत परेशानी होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमको एक ही संकल्प लेना है कि हम शिक्षित हों, और शिक्षित होंगे तो शिक्षा के द्वारा हमारे समाज के जो दरवाजे बंद रहते हैं वो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो हमारे संत रविदास जी ने कहा था कि पांच तत्व के बने हैं भाड़े, ना कोई पंडित ना कोई पाड़े, हमारा जो मानव तत्व बना है वो सब पांच तत्वों से बना है, यहाँ पर सभी एक समान है, लेकिन हम लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ा दी गई हैं वो दूरियां अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाई गई हैं, और वो स्वार्थ कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों को हो रहा है और 85% हम लोग उससे वंचित हैं। इसलिए हमको शहद जैसा मीठा फल लेना है, शहद जैसा मीठा परिणाम लेना है, तो हमको मधुमक्खियों की तरह एकजुट रहना पड़ेगा, तभी हमको शहद जैसा फल मिलेगा, अन्यथा मीठा फल मिलने वाला नहीं है। हमारे जो दल बने हुए हैं उन सभी दलों से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि एक ही बात चल रही है सभी के बीच में, जितने भी दल हैं एक ही बात चल रही है कि हम अपना 100 में शोषित 90 पर भाग हमारा है, यही अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो मैं एक ही नारा देती हूं कि बूढ़े बच्चे और जवान सफल करें मिलकर अभियान, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो गद्दारों से। यदि हमको जंग लड़ना है, अपने हक अधिकारों को पाना है, तो हमको संगठित और समानता का संकल्प लेकर के ही आगे हम बढ़ सकेंगे, और जो अपना अभी तक शोषण होता आया है उस शोषण को हम तभी दूर कर पाएंगे। और मंच से हमें जो समय दिया गया है उसके लिए हम हार्दिक आभारी हैं, और समय की गरमा को रखते हुए हम वाणी को विराम लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी को नमो।